दोस्तों, कोरोना के चलते देश में लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोगों ने देखा, जिसके चलते 21 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है और इसी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए से आपको चार बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दूंगा। पहली खबर में हम आपको बताएंगे कि ताजा हालात अभी कोरोना को लेकर के क्या है। दूसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस पर किस तरह से बिहार में पथराव किया गया है और ये खबर मीडिया छिपा रही, क्योंकि ये अलग वाले लोग हैं, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सरकारें दावा कर रही हैं अलग अलग राज्यों की कि हम अपने स्टेट्स में लोगों को भरपूर खाना दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन इसी का पोल खोलता हुआ एक वीडियो आया है जिस पर आप देखेंगे कि किस तरह से लोग परेशान हैं, खाना जो खाने के लिए दिया जा रहा है वो कैसा दिया जा रहा है, इसकी भी आज हम खुलासा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको अगली खबर में बताएंगे कि किस तरह से मजदूर भाई जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में पैसे कमाने के लिए गए थे, उनकी रोजी रोटी चली गई इस लॉकडाउन के चलते और वो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और कैसे हालात हैं, कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसकी भी जानकारी देंगे और कुछ वीडियो फुटेज आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सभी खबरों को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि देश में 2 या 3 दिन के लिए लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए जिसकी वजह से जो अलग अलग प्रदेशों में मजदूर भाई फंसे हुए वो अपने घर पर पहुंच सकें, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहली खबर हम आपको बताते हैं कोरोना को लेकर के। आप सभी को पता होगा देश में लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आज ताजा हालात की हम बात करें तो लगभग जो है टोटल केसेस जो कल तक जो है 6,500 के करीब करीब थे वो 7,447 हो गए हैं। साथ ही साथ इसमें ठीक होने वाले की संख्या जो है 647 हुई है और कैजुअलिटीज की अगर बात करें तो 239 कैजुअलिटीज भी हो गई हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया तबलीगी जमात हिंदू और मुसलमान करने में लगा हुआ है, लेकिन अलग अलग जगहों पर किस तरह से घटनाएं हो रही है इसको नहीं दिखा रहा है। अगर एक विशेष समुदाय की तरफ से कोई घटना होती है तो पूरी तरह से मीडिया में कहीं ना कहीं तहलका मच जाता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से होती है तो कोई जानकारी नहीं दी जाती है। बिहार के सासाराम में सड़क पर शराब पी रहे लोगों को डांट कर भगा रहे नगर परिषद के पदाधिकारी और पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया है, खबर आ रही है। पथराव व हमले में कार्यपालक पदाधिकारी समेत एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। इस दौरान अधिकारी और पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि लोग इतना पुलिस वालों के पर हावी हो गए थे कि पुलिस वाले बेचारे अपनी जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा और काफी हद तक वो जो है भागना पड़ा। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे SP संजय कुमार व SDM लाल ज्योति नाथ शाहदेव ने असामाजिक तत्वों को खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो लोग शामिल थे उनके नाम क्या हैं, ठीक है। जो खबर आ रही है उसमें जो नाम सामने आ रहा है गिरफ्तार लोगों में चुन्ना भट्टा निवासी भरदुल कुमार और मुकेश कुमार जो कि इस गैंग के सरगना हैं, ये दोनों पकड़े गए, लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा नहीं है क्योंकि ये मीडिया के कहीं ना कहीं फेवर वाले लोग हैं, ठीक है, इसलिए इसकी खबर नहीं है। खैर, मीडिया के बारे में हम आप आगे कुछ कह भी कह सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एक और खबर। सरकारें दावा करती हैं कि हम अलग अलग प्रदेशों में खूब भरपूर लोगों को खाना खिला रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। खाने के नाम पे ये कवाड़ा दिया गया, कवाड़ा ये गाय खाएंगे बच्चे, इससे कोरोना वायरस खत्म होएगा, इससे लोगों की भूख मिटेगी, इससे ये है ये। और छह आदमी का खाना है ये, 6 आदमी काट काट के खाएंगे ऐसे पिज्जा की तरह। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में एक महिला है, किस तरह का उनको खाना दिया जा रहा है, सोचिए अगर आपको भी ऐसा खाना दिया जाता तो क्या आप ऐसे खाना को खाते, क्या आपके मुंह में चलता, वो भी 4 लोगों के लिए एक जला हुआ खाना दिया जा रहा है। तो इस तरह से सरकारों की पोल खुल रही है, ये है हमारे देश की सरकारों के बंदोबस्त, उनकी व्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नफरत का बीज मीडिया ने लोगों के बीच काफी हद तक भर दिया है और इसका रिजल्ट लगातार मिलते जा रहे हैं। एक वीडियो को आपको दिखा रहे, देखिए आप इस वीडियो को। ये 3 देखे
हाँ नहीं कर रहा हूँ मैं कार्रवाई, अब मैं गांव में पूरा एक्टिव हूँ भाई। ये सामान है भाई, इसमें कितने आदमी आ रहे हो भाई? हाँ लेकिन गांव में पूरा कितने आदमी है? 20 आदमी निकले पहली 20 बता रहे थे, 9-7 भी जा रहे थे। देखो इतनी दूर था, दूसरा का नाम बता भाई। 9-7 भी जा रहे थे। 9-7 अहमद दल रोटी लेकर सब पूरी बनाओ ना इसकी बात। रन देख रहे बहुत गलत बात है यार। जो यूपी से है और आज 20 मुसलमान अलग अलग गांव में सामान बेचने के लिए निकले हुए हैं और वो सामान कितना खतरनाक है आप इस चीज को मौके पर देख सकते हैं। बिल्कुल बच्चों को खिलाने वाला ये सामान है और ये कुछ ऐसा सामान है जो पैकिंग भी नहीं है, सीधा ओपन है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, एक मुस्लिम शख्स है बेचारा, रोजी रोटी के लिए अपना जो किराने का सामान रहता है वो बेचता है, गांव-गांव में फेरी करता है। शायद वो किसी जगह पे फंस गया होगा, वहां पर कुछ लोग हैं और वो लोग किस समुदाय के हैं ये भी आपको पता हो जाएगा, वीडियो देख करके पता हो गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसको परेशान कर रहे हैं और धमका रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जो है उससे जानकारी ले रहे हैं। आप सोचिए, ये मीडिया की भरी हुई नफरत का अंजाम है कि एक विशेष समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ कुछ मजदूर भाइयों के वीडियोस। पहले आप इस बच्ची का वीडियो देखिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में 2 छोटे भाई भाई हैं, मेरे अब्बू की रोज की कमाई 100-200 लॉकडाउन की वजह से वो भी रही है। हम मेरे घर में राशन पानी नहीं है, हम 4 दिन से भूखे हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं मुंबई साइन दरावी से बोल रही हूँ, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा ये बच्ची है और कई ऐसे वीडियोस हैं जो कि मेरे पास हैं, यकीन मानिए आप देख करके आपके आंसू आ जाएंगे। इस तरह से लोग फंस। আমরা এখানে দিল্লিতে ফেঁসে রয়েছি, আমাদের বাড়ি পশ্চিমবাংলা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতার পাশাপাশি আমাদের বাড়ি। আমরা অনেক অসুবিধায় এখানে রয়েছি, আমাদের এখানে কমসে কম 150-200 জন ফেঁসে রয়েছি। এখানে সেখানে আমাদেরকে না বাইরে বার হতে দিচ্ছে, না খাওয়া দাওয়া, না কিছু, আমরা কী হালে রয়েছি সে আমরা জানি, প্রচুর অসুবিধায় আছি আমরা। আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার একটু ব্যবস্থা করুন, আমরা প্রচুর অসুবিধায় রয়েছি। ঠিক আছে। इस तरह से लोग फंसे हुए हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, लोग भूखे पड़े हुए हैं, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। बाहर अगर सामान लेने के लिए जाते हैं तो पुलिस लाठी चार्ज कर दे रही है। अब सोचिए, ये है हमारे देश की सरकारों की व्यवस्था, ये है सरकारों के कामकाज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन को लेकर के। 14 अप्रैल लॉकडाउन की आखिरी सीमा है, लेकिन आगे क्या ये खत्म होगा अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो राज्य सरकारों के सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि 11 बजे शायद जो है उनसे संबोधन होगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद 11 बज भी गए होंगे। तो उनसे बात करने के बाद कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ये जो लॉकडाउन की सीमा है जो 14 अप्रैल है इस पर खत्म हो जाएगा लॉकडाउन, ऐसी उम्मीद आप मत करिए। लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होने वाला नहीं है, कुछ राज्यों में ढील दी जा सकती है ये अलग बात है, लेकिन ये लॉकडाउन नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो जिन लोगों के रोजी रोटी चली गई, उनके कारोबार बंद हो गए, बताइए वो कैमरे में कैद हैं, उनको सरकारों के द्वारा जो है व्यवस्था जो दी जा रही है उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, सोचिए वो लोग कैसे रहेंगे। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब मिलने बहुत मुश्किल है। मीडिया में ये सारे सवाल उठाए नहीं जा रहे, मीडिया तो हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर लोगों को नफरत फैला रही है लोगों के अंदर और लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रही है। अब आप ही सोचिए कि हमारे देश का आगे क्या होगा, सरकार की व्यवस्था क्या है। काश बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी करने से पहले देश के हॉस्पिटल्स या देश की अर्थव्यवस्था सही कर लेते, विधायकों को तोड़ मरोड़ कर अपनी पार्टी में ज्वाइन करने की बजाय लोगों को रोजगार देने पर काम कर लेते, लोगों के बीच जो है अच्छी व्यवस्था देने का काम कर लेते, तो शायद आज इस दिन को, ये दिन हमको देखने ना पड़ते। खैर, इसके ऊपर अब हम क्या कह सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं नीचे अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।